ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अमरीश शुक्ल। आज मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी नेट में बचे हुए दिनों में कैसे हम अच्छे से रणनीति अपनाएं कि हमारा पेपर अच्छा जाए और हम जेआरएफ हो जाएं। कुछ लोगों का एग्जाम 21 तारीख से ही शुरू होने वाला है और कुछ लोगों का जो एग्जाम है वो 22 को है, 23 को है, 24 को है, 25 को है। तो जिसका एग्जाम 21 को है वो लोगों के तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन उनको यही कहूँगा कि आप केवल इतना देख लीजिए, अगर फर्स्ट पेपर देख रहे हैं तो फर्स्ट पेपर में कंप्यूटर की मेमोरी देख लीजिए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर देख लीजिए, इनपुट और आउटपुट देख लीजिए, लैंग्वेज देख लीजिए कंप्यूटर में, और पर्यावरण में प्रदूषण देख लीजिए, जल वायु और मृदा, ये तीन तरह के प्रदूषण, प्रमुख जलवायु सम्मेलन देख लीजिए, प्रमुख वन नीतियाँ देख लीजिए, और प्रदूषण के जो विभिन्न स्तर हैं, जल का संचयन, जल का जो विभाजन है, किस देश में सबसे ज़्यादा जल की खपत होती है, प्रदूषण सबसे ज़्यादा कार्बन कौन सा देश उत्सर्जित करता है, कौन सा देश कार्बन के उत्सर्जन में सबसे आगे, कौन सबसे कम, क्या नीति है, जो जलवायु सम्मेलन हुआ था भी वो कब आयोजित होगा दोबारा, और इस तरह की कितनी इसमें बातचीत हुई है, वो कौन कौन से सम्मेलन है जिसमें जलवायु परिवर्तन पर विशेष चर्चा होती रहती है, कार्बन के उत्सर्जन को बंद करने के लिए क्या डेडलाइन रखी गई है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है तो नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का क्या स्थान है, विश्व के प्रमुख देश उनका क्या स्थान है, नवीकरणीय ऊर्जा के जो उत्सर्जन है उसमें सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, भारत कितने गीगावाट या क्या उसका लक्ष्य है कि आगामी वर्षों में कितने प्रतिशत अपने वो जो ये नवीकरणीय ऊर्जा है उसको संचयन करेगा, उसमें बढ़ोतरी करेगा, जो उसके अभी परंपरागत बिजली के स्रोत हैं, ऊर्जा उत्पादन के स्रोत है, उसमें कितना कमी करेगा, परमाणु संयंत्र कितने हैं भारत में, तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर आप फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी रखें। खास करके शिक्षा में कौन कौन से सुधार हुए हैं, नई शिक्षा नीति पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो जो शिक्षा नीति में सुधार हुए हैं या कौन कौन से संविधान संशोधन हैं, या अभी जो कोलिजियम पर बातचीत हुई है राष्ट्रपति के पदच्युत होने पर, या मुख्य न्यायाधीश के, या अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इन सारी चीज़ों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके यहाँ। राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके यहाँ, तो ये फर्स्ट पेपर है। बाकी गणित और रजनी वाले प्रश्न तो आप जानते ही हैं, जो पैसेज पर पैराग्राफ पर प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी आप जानते ही हैं। तो कुल मिला के इतने तरीके के जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनकी तैयारी फर्स्ट पेपर में आप कर सकते हैं। दूसरी खास बात क्या है, यदि आप लोग चाहें, जिनका एग्ज़ाम अभी 2-4 दिन बाकी है, तो हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें तो उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, उनका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा और वो बहुत अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो हमारी टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे ढंग से बनाई गई, बहुत सारे छात्रों ने परचेज भी किया है, आप देख सकते हैं इस टेस्ट सीरीज को। आप जो मेरी फर्स्ट टेस्ट सीरीज है जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या तुम्हारे टेलीग्राम चैनल आप जुड़ जाएं तो वहां पर मिल जाएगी। मेरा वादा है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप चाहे मेरी टेस्ट सीरीज खरीदें या ना खरीदें, लेकिन इन सारी चीजों को आप कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपका इस बार जेआरएफ होने वाला है। चलिए मैं अपने विषय हिंदी की बात करता हूं, हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, जो बदला हुआ पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी चाहिए। पहली चीज, जो आपके यहां विभिन्न वाद जुड़े हैं जिसको हम विचारधारा के नाम से जानते हैं, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, इस तरह के जो दर्शन जुड़े हैं, इनसे स्थापना और तर्क के प्रश्न पूछे जाएंगे। पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र से स्थापना और तर्क के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। जो आपके यहाँ नवजागरण है, भारतीय युग है, या आदिकाल से लेकर समकालीन कविता या नई कविता तक, प्रयोगवाद तक, जितने भी इस तरह के विभाजन हुए हैं सबकी प्रवृत्तियाँ विशेषताएँ आपको जरूर याद रखना है, और जितनी भी रचनाएँ पुरस्कृत हैं उन रचनाओं की विधा आपको याद रखनी है, और वो रचनाकार किस सन का है, वो रचना किस सन की है, क्योंकि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो जो आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन हैं वो आपके यहीं से पूछे जाते हैं। जो जितने भी अभी तक पुरस्कृत रचनाएं हैं, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, साहित्य अकादमी हो, वो सरस्वती सम्मान हो, व्यास सम्मान हो, मूर्ति देवी पुरस्कार हो, या इस तरह के जितने भी सम्मान हैं, जितने भी पुरस्कृत रचनाएं हैं, उनकी डेट पूछी जाती है, वो किस विधा की रचना है, उसकी रचनाकार कौन है, और उन्हीं रचनाओं को सीक्वेंस में रखने के लिए रख दिया जाता है।
विभिन्न रचनाकारों की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है, उस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना, उसकी डेट आपको याद रहना चाहिए। जैसे रामधारी सिंह दिनकर का नाम अगर आए तो तुरंत उनकी उर्वशी और उनकी रचना की डेट याद होनी चाहिए। मैत्री चंद्रगुप्त का नाम याद आए तो तुरंत साकेत और आपका और भी जो उनकी महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती, उसकी सन और उसकी डेट आपको याद रहनी चाहिए। जयशंकर प्रसाद याद आए तो उनकी कामायनी की और उनके नाटकों की डेट आपको याद होनी चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला याद आए तो गुरमुत्ता की डेट आपको याद होनी चाहिए। राम की शक्ति पूजा की डेट याद होनी चाहिए। तो जो प्रमुख रचनाकार है उनकी जो प्रतिनिधि रचना है वही हमेशा सिक्वेंस में रख के पूछी जाती है। आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उनका क्रम पूछा जाता है। भक्तिकाल रीतिकाल जितने भी कवि हैं जितने भी लेखक हैं की डेट आपको याद रखना है, कालक्रम उनके पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जैसे भारतेंदु युग में भारतेंदु मंडल के कवियों का क्रम, द्विवेदी युग के कवियों का काल उनका क्रम पूछा जाता है, अष्टछाप के कवियों का क्रम पूछा जाता है, प्रयोगवाद के जो चारों तार सप्तक हैं चारों तार सप्तक के कवियों का क्रम पूछा जाता है। तो इस तरह से आप कवियों और लेखकों का भी क्रम अच्छे से ध्यान रखिए। प्रेमचंद के पहले कौन लोग आते हैं, प्रेमचंद के बाद कौन से आते हैं, प्रेमचंद के समकालीन कौन है, यह भी ध्यान रखना है। कौन सा लेखक कवि किस विचारधारा का है, कौन मार्क्सवादी है, कौन देशज कविताएं लिखता है, ये भी प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। तो इस तरह की तैयारी रखिए। अभी विगत वर्षों में एक दो साल के अंदर जो भी कवि दिवंगत हुए उनकी रचनाएं सभी आपको याद रखना, जिनमें नामवर सिंह दूधनाथ और कृष्णा शोभती का नाम बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। देखिए इन सभी रचनाकारों से महत्वपूर्ण रचनाएं आपके यहाँ पूछी जाने वाली। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितनी भी रचनाओं के डेट पूछी गई उन सारी रचनाओं के डेट आपको हूबहू याद रखने, क्योंकि वो सब पूछे जाते हैं। और अंत में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि मेरा पहला फर्स्ट पेपर आप जरूर देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो बाकी मेरे जो पेपर हैं उसको आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से और बहुत अच्छे ढंग से पेपर को बनाया गया है और इसी के इर्द गिर्द आपका पेपर रहने वाला है। स्थापना स्तर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी मैंने शुरू किया है, तो आप चाहें तो वो प्लेलिस्ट में जाके ले सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप ये टेस्ट सीरीज कैसे परचेज करें, टेस्ट सीरीज खरीदें कैसे, साथ ही साथ हमारे यहाँ लोअर की टेस्ट मिल जाएगी 999 रुपए में, आपको सीटेट की पूरी कोर्स मिल जाएगा। ये सब परचेज करने के लिए थंबनेल पे दिया गया नंबर जो है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ऐसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहां आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा, या आप चाहें तो मेरे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। नंबर है 9628952937, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पर मुझे टेस्ट सीरीज लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मित्रों आज का वीडियो इतना ही है, आप मेहनत करिए, लगे रहिए और मेरी शुभकामना है कि आप सबको निश्चित तौर पर इस बार जारफ हो जाना है। एक चीज और खास, स्मरण शक्ति पर एक महत्वपूर्ण वीडियो कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी स्मरण शक्ति को आप बढ़ाएं, कैसे पढ़ी हुई चीजों को याद रखें, क्योंकि कल योग दिवस है, विश्व योग दिवस, तो उस पर एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको बना के दूंगा जिसमें काफी सांस्कृतिक तौर पर वैज्ञानिक तौर पर दोनों चीजों को मिक्सअप करते हुए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसको आपको मैं कल प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।